गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक अपन ने जो हेलो एल्केन की जो बनाने के मेथड पढ़े हैं, उसमें अपन ने एल्केन से कर लिया था। अब करेंगे हम एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय एल्कोहल। ठीक है भैया। अब देखिए, जब मैं जो वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कंबाइंड लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप, क्योंकि देखिए केमिकल रिएक्शन से उसमें ज्यादा कोई अपने को दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। जहां भी टर्म आएगी मैं उसको यूज कर लूंगा। देखिए, अल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय अल्कोहल, ठीक है भैया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय अल्कोहल। देखिए जरा, इसमें पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड इसमें, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड। अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करने पर, ठीक है भैया। तो देखिए, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है भैया, HX। HX में कौन कौन आया, HCl, HBr, HI। तो इसकी अभिक्रिया में HCl से करता हूं, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये H2O बाहर निकलता है और ये इस पर जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, RCl plus H2O, ठीक है, क्लियर है। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में मैकेनिज्म देखिए, क्रियाविधि क्या कहती है, देखिए मैंने आपको बताया हाइड्रोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है, इसकी विद्युतीयता का मान 2.1 होता है, इसकी विद्युतीयता का मान 3.2 होता है। तो यहां से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, इसकी वजह से यहाँ डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो हाइड्रोजन की तरफ कर रहे हैं, इसलिए भैया ये बॉन्ड टूट जाता है इससे, और यहाँ क्या बनता है, एच प्लस प्लस सीएल माइनस, ठीक है, क्लियर है। अब स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, स्टेप सेकंड में अपना जो अल्कोहल है, जैसे अपने पास क्या है, ये अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल में देखिए, यह यहाँ पर नाभिक से नहीं सेंटर है, ठीक है। नाभिक से नहीं सेंटर का मतलब क्या होता है, देखिए दो चीजें होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, एक नाभिक से नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। क्लियर कर लें, अगर क्लियर नहीं हो तो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इंग्लिश में दूसरा होता है आपका नाभिक स्नेही। ये बार बार दो टर्म काम आएंगी, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब देखिए भैया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक्स से मिलकर बनता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी भैया इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले ऐसे अभिकर्मक जो कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं वो इलेक्ट्रॉन फिलिक कहलाते हैं या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, कौन करेगा इलेक्ट्रॉन से स्नेह भैया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो उससे स्नेह कौन करेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्लियर है, तो वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भैया, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है, या फिर आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, जिस पर क्या, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, जिस पर क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा, कमी होगी वही क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोफिलिक, क्लियर है। इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है ई प्लस से, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक, क्लियर है। नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही मतलब नाभिक से स्नेह करने वाला। नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, आपको पता होना चाहिए। तो नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है।
तो उससे स्नेह कौन करेगा, जिस पर खुद पे क्या हो नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो भैया उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। क्लियर है? यानी ऐसा अभिकर्मक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, या जिसके पास लोन पेयर हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, वो क्या कहलाएगा, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया बेटा? बाद वाली ये चीज काम में आएगी, ध्यान रखना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है या इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होता है, जो नाभिक से स्नेह करता है, जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वो क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही। क्लियर है? ठीक है, आ जाए यहां भी। तो देखिए इस एल्कोहल के अंदर यहां पर देखिए इस ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये कौन सा सेंटर हो गया, नाभिक स्नेही केंद्र। इस नाभिक स्नेही पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। सीधे से बात है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, आपका ये है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही किस पर अटैक करेगा, नाभिक स्नेही सेंटर पर एल्कोहल के यहां अटैक करेगा, और यहां अटैक करते ही भैया ऑक्सीजन चिढ़ जाएगी, क्योंकि भैया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है और यहां कितनी हो गई है, तीन, कभी भी नहीं हो सकती, और होगी उस केस के अंदर ऑक्सीजन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड के अंदर बॉन्ड क्लीवेज होगा, या फिर एक काम करो यही ले लो, यहां से बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा, तो आर पे क्या आ जाएगा भैया, प्लस प्लस H2O। ये स्टेप सेकंड हो गया, ये क्या बना आपका, कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर एल्किल ग्रुप कौन सा होगा, कार्बन तो होगा ही, तो कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन पर टेक कौन करेगा भैया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, तो इससे रिएक्शन कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, नाभिक स्नेही पर टेक करेगा और ये RCl बन जाएगा। बेटा दो चीजों को क्लियर कर लेना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही क्या होता है, अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई आज तो भैया पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धुप्पा हो गया, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये क्लियर हो गया तीनों स्टेप, वापस रिपीट कर देता हूं। पहले स्टेप में क्या होगा, HCl बॉन्ड टूटेगा, H+ और Cl- बनेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, एल्कोहल में नाभिक स्नेही केंद्र, इस पे इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा, ये ऑक्सोनियमाइन बनेगा, इसको ऑक्सोनियमाइन कहते हैं भैया, और यहां पर ऑक्सीजन की संयोजकता तीन होने की वजह से इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, बॉन्ड होगा H2O बाहर निकल जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा, तो ये H2O बन जाएगा, और यहाँ का इस एल्किल ग्रुप पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बना यहाँ पर, मध्यवर्ती के रूप में कार्बो केटायन। ठीक है, ये कार्बो केटायन पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, सीएल माइनस अटैक करेगा, आरसीएल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखें आप जरा। ठीक है, क्लियर है, देखिए जरा एग्जांपल, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन पार्ट देखें आप, इस रिएक्शन की उपयोग कैसे करना आपको वो देखें। क्वेश्चन आएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, इंग्लिश मीडियम वाले सुने, व्हाट हैपन व्हेन आइसोब्यूटाइल एल्कोहल इज रिएक्ट विद HCl, हिंदी मीडियम वाले सुने, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल की अभिक्रिया HCl का HCl से करने पर संभव उत्पाद बनाए, तो देखें जरा ध्यान दें, आइसोब्यूटाइल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है और ये एल्कोहल है और ये HCl है। अब ये तो आपको पूछ लेगा, प्रोडक्ट ए लिख देगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट द एसेंशियल मैकेनिज्म, हिंदी मीडियम वाले सुने, अभिक्रिया को पूर्ण करें तो आवश्यक क्रियाविधि लिखिए, दो नंबर का सवाल है ये, एग्जाम आ चुका है, जितना सिंपल सोच रहे हो उतना सिंपल नहीं है। आप क्या सोच रहे होंगे, संडे बताया ये पानी बाहर निकालो और ये सीएल यहां लगाओ, बेटा ऐसे ही ना निकले, वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, देखो जरा, ठीक है, अब इसकी आप तो मैकेनिज्म देखो जरा, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगा काम, मैकेनिज्म वही HCl बॉन्ड टूटेगा, H+ प्लस Cl- बन जाएगा। ठीक है, अब ये अल्कोहल है, स्टेप सेकंड के अंदर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है,
इसमें ये नाभिक स्नायु केंद्र है, वो एच प्लस आयन इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, ये इस पर टेक करेगा, तो ये उपसमीय आयन बन जाएगा। फिर क्या अगला स्टेप, वही पानी बाहर निकाल दो, ये अपना ऑब्जेक्ट क्या आएगा, कार्बो कैटायन। अब स्टेट थर्ड में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पर सीएल माइनस का अटैक करके ऐसा करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं होगा, यहां पर एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखना, यहां पर ये जो कार्बो कैटायन है कितने डिग्री कार्बो कैटायन है, 1 डिग्री कार्बो कैटायन है। देखिए कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्थायित्व की बात करते हैं, कार्बो कैटायन के स्थायित्व की बात करते हैं, तो सबसे अधिक स्थायित्व कार्बो कैटायन होता है वो 3 डिग्री कार्बो कैटायन होता है, फिर 2 डिग्री कार्बो कैटायन होता है, फिर 1 डिग्री कार्बो कैटायन होता है, ये कार्बो कैटायन के स्थायित्व का क्रम है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में 1 डिग्री कार्बो कैटायन बन रहा है, ध्यान दें मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बो कैटायन बन रहा है, तो उस अभिक्रिया के अंदर अगर पुनर्विन्यास के द्वारा 1 डिग्री कार्बो कैटायन अगर 3 डिग्री कार्बो कैटायन के अंदर परिवर्तित होता हो तो परिवर्तित करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बो कैटायन 1 डिग्री कार्बो कैटायन की तुलना में ज्यादा स्थायी है। कहने का सेंस है 3 डिग्री कार्बो कैटायन इज मोर स्टेबल देन द 3 डिग्री कार्बो कैटायन। क्लियर है? तो देखें यहां पर होता क्या है, एक स्टेप कौन सा इंक्रीज होता है, देखिए ये हाइड्रोजन है, मैं इसमें कुछ ऐसा करूं कि ये 1 डिग्री कार्बो कैटायन किसमें कन्वर्ट हो जाए, 3 डिग्री कार्बो कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, ये स्टेप कहलाता है बेटा रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास हिंदी में। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, इस हाइड्रोजन को मैं इधर भेज देता हूं, तो इस कार्बन की से बैलेंस तो कंप्लीट हो जाएगी, इसकी इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बो कैटायन बन जाएगा। ये कौन सा कार्बो कैटायन है, 3 डिग्री कार्बो कैटायन है, दिस इज मोर स्टेबल, ये अधिक स्थायी है, दिस इज लेस स्टेबल, ये कम स्थायी है। ध्यान रखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है तो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है प्रोडक्ट उतना ही कम स्टेबल होगा। और हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा केमिकल रिएक्शन में, ध्यान दें हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा केमिकल रिएक्शन में मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने का होता है, ना कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाने का होता है, इसलिए इंटरमीडिएट हमेशा मध्यवर्ती हमेशा स्थायी होना चाहिए। अगर स्थायी मध्यवर्ती नहीं बन रहा है तो अगर संभव है उस रासायनिक अभिक्रिया में तो आप स्थायी मध्यवर्ती बनाएं किसी ना किसी स्टेप के द्वारा। क्लियर हो गया? ये बना आपका 3 डिग्री कार्बो कैटायन। अब स्टेप थर्ड आ जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बो कैटायन पर सीएल माइनस का अटैक करें, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें, तो यह बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, यह आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आप क्या बना रहे थे, इस सीएल को यहां लगा रहे थे, आइसोब्यूटिल क्लोराइड और थोड़े बन रहा है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लो इसका, देखिए नोट कर लेना भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट हैपन व्हेन नियोपेंटिल अल्कोहल इज रिएक्ट विद एचसीएल, वाले लिखेंगे नियोपेंटिल अल्कोहल की अभिक्रिया एचसीएल से करने पर क्या होगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए नियोपेंटिल अल्कोहल होता क्या है बेटा, और नहीं होता है तो बैठे रहो, बताया था मैंने बहुत, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप है आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोब्यूटिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, आइसोपेंटिल, तीनों ग्रुप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बाद सेकेंडरी ब्यूटिल, इसके बाद टर्शियरी ब्यूटिल, उसके बाद नियोपेंटिल, ये छह ग्रुप तो आपको यूं के यूं याद होने चाहिए, याद नहीं है दुख पाओगे, एक बार वापस रिपीट करा देता हूं, ये आइसोप्रोपिल, ये आइसोब्यूटिल, ये टर्शियरी ब्यूटिल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल, ये आइसोपेंटिल, ये नियोपेंटिल, ये छह ग्रुप आपको हमेशा याद रहने चाहिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको कहा जाए आइसोब्यूटिल क्लोराइड तो यहां सीएल लगा दे, आपको कहा जाए आइसोब्यूटिल अल्कोहल तो यहां ओएच लगा दे,
आपको कहा जाए टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, तो ये टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है, यहाँ क्या लग जाएगा OH। आपको कहा जाए आइसोब्यूटिल अल्कोहल, तो आइसोब्यूटिल ग्रुप आपका ये था, तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल कह रहे तो OH लगा दे, आइसोब्यूटिल क्लोराइड कह रहे तो Cl लगा दे। ऐसे कैसे नियोपेंटिल अल्कोहल, तो नियोपेंटिल ग्रुप है OH लगा दे, नियोपेंटिल अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है, नियोपेंटिल क्लोराइड के Cl लगा दीजिएगा, आइसोब्यूटिल ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, ठीक है क्लियर। देखे जरा मैंने क्वेश्चन क्या लिखाया, व्हाट हैपेंड व्हेन नियोपेंटिल अल्कोहल इज रिएक्ट विद द HCl, नियोपेंटिल अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से करने पर क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, ये बाहर निकालो ये जोड़ दो, ऐसा करना मत बेटा, जितना आसान होता ना निकालना, किसको निकालना पता है तुमको, उतना आसान होता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। और मेहनत क्या करनी पड़ेगी, वही तीन स्टेप, HCl H प्लस प्लस Cl माइनस, स्टेप सेकेंड अटैक करें, अटैक करेंगे इसका, अटैक करेंगे H प्लस का, अटैक करोगे वो की वही कंडीशन आएगी, ऑक्सोमियम आयन बाहर निकलेगा पानी, क्या बनेगा कार्बोकेटायन। अब भैया क्या होगा, वही 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, यहां तक का मामला तो सेम है, जो कि क्या है लेस स्टेबल है, कम स्थाई है, और हमको पता है 3 डिग्री ज्यादा स्थाई है, तो यहाँ क्या होगा भैया ध्यान देखे, उस समय हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ था, यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 क्यूब बोला गया, जिन दो कार्बन एटम के बीच में जो शिफ्टिंग हो रही है ग्रुप की, उनको नंबरिंग दी जाती है, समझ गए, तो यहां नंबरिंग करें तो 1 और 2 के बीच में शिफ्टिंग हो रही है, जिसको बोलते हैं 1-2 मिथाइल शिफ्ट, शिफ्ट हो रहा है कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, तो यह ग्रुप में उधर पटकता हूं, तो यहां क्या जाएगा प्लस आ गया प्लस, और लास्ट स्टेप वही अपना अटैक कर दें, येलो भैया ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, एग्जाम में आ चुका बेटा, दो दो नंबर के सवाल ही है, ठीक है। इसके बाद में और जो मेथड है अल्कोहल के वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। यहाँ पर एक चीज और देखिए कि सॉरी देखिए पहले, यहाँ पर जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो आता है वो आपका आता है 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, क्या कारण है अल्कोहल की क्रियाशीलता कम ही आता है, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री आपको पता हो तो 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा स्थाई होता है कार्बोकेटायन, इसलिए अल्कोहल की क्रियाशीलता कम यह आता है इस अभिक्रिया के लिए। और हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता कम पूछ ले गलती से HCl HBr HI, तो जरा बताएं क्या आएगा ऑर्डर, बोलो बोलो दिमाग लगाओ, नहीं चलो कोई बात नहीं, देखो जरा हमको पता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यो 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 ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो साइज बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बढ़ती है ना, तो साइज बढ़ेगी, ये ऐसे रहेगा ये ऐसे रहेगा ये ऐसे रहेगा, बताओ कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, जो साइज बड़ा होगा वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, भाई बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी बंद लंबाई का मान ज्यादा होगा तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और बंद लंबाई का मान कम होगा तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम जो आता है भैया आपका ये आता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बार बार आएगा ध्यान रखना, बार बार आएगा, क्लियर है। तो ये टॉपिक आपका अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का जो मेथड था वो मैंने आपको समझा दिया, इसमें कुछ और मेथड है जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा, थैंक यू।